पिछले दिनों करनाल में आईटीआई के छात्र की सड़क दुर्घटना में आईटीआई चौक पर हुई दर्दनाक मौत के बाद आईटीआई छात्रों व पुलिस के बीच जो लाठीचार्ज की वारदात हुई थी, उस मामले में संयुक्त निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा के नेतृत्व में एक टीम करनाल लघु सचिवालय में आज जांच करने के लिए पहुंची। टीम द्वारा एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक के कार्यालय में उपरोक्त प्रकरण से संबंधित लोगों को बुलाया गया और लगभग 2 घंटे के करीब उनसे पूछताछ की गई। यह जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा ने समाचार एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि आईटीआई छात्र पुलिस लाठीचार्ज प्रकरण में एक पुलिस वाला व्यक्ति आज उपस्थित नहीं हो पाया है, इसलिए जांच की आगामी तारीख 19 निर्धारित की गई है। उस दिन दोबारा से इस प्रकरण में संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आईटीआई के प्रिंसिपल द्वारा कुछ अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनको मद्देनजर रखकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। और यहाँ हम आपको बता दें कि गत 11 अप्रैल को आईटीआई करनाल में छात्रों और पुलिस के बीच लाठीचार्ज की नौबत आ गई थी, जिसके चलते कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे और कई छात्र भी घायल हुए थे। इस वारदात में आईटीआई के प्रिंसिपल को भी चोट आई थी, जिसकी जांच अभी चल रही है। इसी कड़ी में संयुक्त निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा की टीम द्वारा लघु सचिवालय में पहुंचकर जनता से पूछताछ की गई। हाँ जी, किसे मिलने आया था, क्या मामला था? आईटीआई में जो इंसिडेंट हुआ था 12 मई को, उसकी इंक्वायरी थी और हम सभी इंक्वायरी के मेंबर साथ बैठा हुआ। पुलिस की टीम लोगों को बुलाया गया था, वो लोग उनमें से एक आज उपस्थित हुआ और 2 आज भी उपस्थित नहीं हो पाए। उनको एक अंतिम अवसर देते हुए नेक्स्ट डेट दी गई है 19, उसके बाद ही कोई निर्णय पहुँच पाएंगे। दूसरा, आज प्रधानाचार्य द्वारा कुछ और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं, वो भी संज्ञान में आए हैं कमेटी के, उनको भी कंसिडर किया जाएगा और अगली तारीख पेश करेंगे। आपकी टीम कहाँ से आई? मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ, संयुक्त निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा, और प्रिंसिपल हैं टीम साहब हैं और वर्ग अनुदेशक हैं गवर्नमेंट आईटीआई करनाल। थैंक यू सर।